यार लास्ट वीडियो पे वैसे भी इतने सारे ना अच्छे अच्छे कमेंट थे, लेकिन मैंने कहा एक कमेंट मुझे सबसे अच्छा लगा तो मैंने कहा इनको शेयर करना चाहिए, काफ़ी अच्छा था। तो था ये कि ज़िशान नफीस का, वलीद यू आर ऑल्सो अ मोटिवेशनल स्पीकर, आई हैव सीन योर ऑल वीडियोज़ बट दिस इज़ माई फर्स्ट कमेंट। भाईजान मोटिवेशनल स्पीकर कह रहे हो मुझे, तो यार कमेंट में बताना ये बात सच है या गलत है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो यार आज की वीडियो दोबारा एज यूजुअल फार्मिंग पर है, और आज की वीडियो बहुत बहुत स्पेशल है, और स्पेशल इसलिए है क्योंकि यार जब से लोगों ने मैंने ये चैनल शुरू किया है ना, लोगों ने कमेंट करना शुरू करे थे कि यार एक क्यूएल फार्मिंग पे भी एक वीडियो होनी चाहिए, क्यूएल फार्मिंग पे भी एक वीडियो होनी चाहिए। इतनी दफ़ा इन्हें कहा मुझे, और बार बार लोगों के यही मैसेज आते थे, तो मेरा एज यूजुअल कोई प्रैक्टिकल मेरा था नहीं इसके ऊपर, और कुछ मैंने खुद काम तो किया नहीं इसका, बट मेरा इस दफ़ा थोड़ा सा मूड हो रहा था, तो मैंने जो इन्फॉर्मेशन लोगों से कलेक्ट करी और जो एक चार्ट बनाया आपके लिए वो ये है, और इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये होती है, ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पर उससे पहले आज से आपको मेरे चैनल पे एक एडवर्टाइजमेंट मिलेगी, और एडवर्टाइजमेंट इस तरह की मिलेगी कि यार आप जो हो ना, मैंने अपनी एक वेबसाइट लॉन्च करी है, उसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी प्यारा सा अच्छा सा प्रोडक्ट खरीद सकते हो, और इसके अंदर आपको बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन मिल रहे हैं टी शर्ट्स के अंदर। और उसके अलावा जो सबसे कमाल की बात है ना, ये है कि आप अपने पसंद की कोई भी टी शर्ट डिज़ाइन करवा सकते हो, सिंपल आपको स्क्रीन के ऊपर अपना व्हाट्सएप पर नंबर मिल रहा है, आप अपना शर्ट का डिज़ाइन सेंड करो और वही शर्ट आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगी उस तरीके की, वो भी बहुत जल्दी यानी एक डेढ़ हफ्ते के अंदर ही डिलीवरी के अंदर। और उसके अलावा सेकंड चीज़ ये है कि बहुत सारे डिज़ाइन उसमें, बहुत सारे साइज़ उसमें ऐड है। और एक और चीज़ कि अगर आपको शर्ट का स्टफ़ पसंद नहीं आता तो आप 100% रिफ़ंड ले सकते हो अपना, यानी 5 डेज़ के अंदर अगर आप चाह रहे हो रिफ़ंड करना तो आप रिफ़ंड कर सकते हो। तो यार आज का जो वाला प्लान है ना, इसके अंदर ऑलमोस्ट हम ले रहे हैं 500 से 600 बटेर का प्रोग्राम, ठीक है। और इसके अंदर जो आपने, और इसमें जो इन्वेस्टमेंट लगने वाली है ना, वो यार ज़्यादा नहीं, सिर्फ 30,000 रुपये लग रही है, ठीक है। और जो प्रॉफिट है वो भी ज़्यादा नहीं, 10,000 रुपये पर मंथ है, पर 10,000 रुपये इतने बहुत हैं कि अगर आप स्टूडेंट हो, अपना खर्चा निकालना चाह रहे हो, तो आप 10,000 ज़रूर इससे बना सकते हो, या फिर आप पार्ट टाइम कोई काम करना चाह रहे हो, या इस तरह का आप पर डिपेंड करता है यार आप इसको किस तरीके से लेते हो। और अगर आप चाह रहे हो उसको बढ़ाना तो बढ़ा भी सकते हो, 30 के आप 3 लाख रुपये लगा लो और फिर ऐसे बात है प्रॉफिट भी उस तरीके से बढ़ेगा। बट अभी जो है ना यार वो 500-600 का है, और 500-600 बटेर को बेचना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। इस पर करना क्या है, सिर्फ 500-600 बटेर निकलवा के उनके अंडों से, और उनका 100 ग्राम वेट करके उनको सेल करना है, जिसमें जो ड्यूरेशन लगने वाला है वो लगेगा टोटल 1 मंथ, ठीक है। और सेल करना यार बहुत आसान है, पहले ही बता दूँ, सेल करने में आप दुकान वालों से बात कर लो, दुकान वाले आराम से ले लेते हैं 100-200 बटेर एक दफ़ा के अंदर, तो महीने के अंदर आप 4-5 दफ़ा निकालो लोगों को, एक निश्चित भी आपकी सेलिंग बनती है ऐसे बातें, और उस तरीके से स्लो स्लो करके निकालते रहो आराम से। तो उनका जो होलसेल रेट अभी फिलहाल चल रहा है वो चल रहा है 40 से 50 रुपये, तो हम 50 रुपये लेके चलते हैं, ठीक है। तो यार इसके लिए जो आप सबसे पहले इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए ना, वो लेना है आपने बीटर बटेर। बीटर बटेर जो आपको मिल जाएंगे ना, वो मिल जाएंगे ऑलमोस्ट 50 बटेर चाहिए आपको, जिसमें से 40 फीमेल और 10 मेल होंगे, तो इसकी जो कॉस्ट आपको पड़ जाएगी वो चलेगी तकरीबन 4,000 रुपये की, डिपेंड करता है आप पे कि आप खुद पाल रहे हो या फिर आप मार्केट से ले रहे हो, लेकिन अराउंड जो आ जाएगी ना वो मार्केट से अगर लेते हो तो 4,000 रुपये तक के आपको सही बटेर मिल जाएंगे, सही। और फिर सेकंड जो उसका खर्चा आएगा बटेर का, वो सबसे पहले आएगा उनके केजेस का, तो इनके आपको बीटर केजेस खरीदना पड़ेंगे, जिसकी कॉस्ट पड़ेगी ऑलमोस्ट 3,000 रुपये की। बीटर केजेस से मुराद ये है कि शायद आपने लेयर के जैसे देखे होंगे ना, लेयर के जो जैसे केज होते हैं कि वो कर्व होते हैं और ज़रा एंगल बना हुआ होता है, 30 के एंगल पर वो कर्व होते हैं, और जैसे ही अंडा आता है वो अंडा घूमता घूमता नीचे ट्रे के अंदर आके जमा हो जाते हैं, फिर वहाँ से आराम से कलेक्ट कर लिए जाते हैं। तो ये वाले इसके केजेस मिलते हैं, जो जगह लेते हैं ना ये जगह भी ज़्यादा नहीं लेते, और 50 बटेर आराम से आपके एक छोटी सी जगह में आ जाएंगे, ठीक है। अब ये 50 बटेर जो है ना यार, ये अंडे देते हैं, ऑलमोस्ट आप हिसाब रख सकते हो उसका कि 500 से 600 के आसपास ही आपके अंडे देंगे हर मंथ। ये मैं थोड़ा सा कम रख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा लॉस वॉस निकाल लेते ना अगर हम के पहली दफ़ा के इतने अंडे नहीं आ रहे, लेकिन इतने अंडे ऑलमोस्ट आ जाते हैं सबके, 500 से 600 अंडे, ठीक है। अब उन 500-600 अंडे के लिए आपने करना क्या है, उन 500-600 अंडों के लिए आपको इंक्यूबेटर लेना पड़ेगा, ठीक है। इंक्यूबेटर आपको 6,000 तक के मिल जाएंगे, आप एक ले सकते हो, चाहो तो 2-4 ले सकते हो 500 अंडों के लिए। तो उसमें करना क्या होगा आपको, सिंपली आपने जो ना जैसे हर 5 दिन के बाद अंडों की एक छोटी सी ट्रे यदि पार्टीशन में आपको अंडे रखने होंगे, जैसे बात है इकट्ठे आप 500 नहीं रख सकते, तो इस वजह से आप आराम आराम से जगह बना बना के क्या कहते हैं टाइम वगैरह उसका हिसाब लिख के अब उसमें अंडे रखो अपने, ठीक है। तो इसकी जो इंक्यूबेटर की आपको कॉस्ट पड़ेगी ना, वो ऑलमोस्ट पड़ जाएगी ऑलमोस्ट 6,000 रुपये तक का आपको इंक्यूबेटर भी मिल जाएगा मार्केट से आराम से। अब इंक्यूबेटर से जो बच्चे निकलेंगे ना एक टाइम के बाद, तो उनके लिए आपको जगह रखनी पड़ेगी ज़रूर, तो उनके लिए आपको लेना पड़ेंगे पहले 1 से लेकर 9 दिन तक के ब्रूडर्स। ब्रूडर एक्चुअल में होते क्या हैं, ये इनकी आर्टिफिशियल मदर होती है, ये इसमें होता है तो प्रॉपर उसको टेम्परेचर मिल जाता है चूज़े को, और जो उसे चलाने पिलाने की उसके लिए जगह बंदा खुद ही बना लेता है, और तो इस तरह से जो ना ब्रूडर लिए जाते हैं। ब्रूडर बनाने के 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप खरीद लो मार्केट से या फिर आप खुद बना लो, बनाने में इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप खुद भी बना सकते हो। तो इसकी जो ऑलमोस्ट कॉस्ट आने वाली है ना अगर आप लेते हो, तो वो पड़ेगी 4,000 रुपये तक के, ठीक है। तो यार इसमें जो आपके पास सेकेंड खर्चा आएगा ना,
यानी चूज़ों के अंदर जो खर्चा आएगा वो ये आएगा कि 1 से 9 दिन तक अपने ब्रूडर में रख लिया, ठीक है। ब्रूडर के बाद आपको उनको केज में शिफ्ट करना पड़ेगा। 9 से 30 दिन तक जो है ना वो अपने एज में ब्रूडर उसके केजेस में रहेंगे, तो उसके लिए जो केजेस आपको कॉस्ट आने वाली है ना उनकी, वो पड़ेगी ऑलमोस्ट 6,000 रुपये तक के आपको केजेस मिल जाएंगे, ठीक है। अब 6,000 रुपये केजेस हो गई। अब जो सेकंड खर्चा जो आने वाला है आपका वो आएगा इनकी फीड का, तो 500 से 600 बटेर जो होंगे ना वो 1 से लेकर 30 दिन तक जो फीड खाएंगे वो खा लेंगे तकरीबन क्या कहते हैं एक बैग खा लेंगे, ज़्यादा नहीं खाएंगे, एक बैग खा लेंगे। और उनकी जो और जो उनकी जो ब्रीडर्स हैं, उनकी जो मदर्स हैं, वो जो अंडे खाएंगी ना वो जो फीड खाएंगी वो भी ऑलमोस्ट एक बैग खा लेंगी 1 महीने के अंदर। और जो छोटे बटेर होते हैं ना उनको यार जो आम फीड जो हम चूज़ों को देते हैं 0 नंबर स्टार्टर जो फीड होती है तो उसको थोड़ा सा ग्राइंड करके दिया जाता है, तो खैर वो आप कर सकते हो अपने ग्राइंडर में कर लो, चाहो तो किसी और चीज़ में कर लो, मर्जी आपकी होती है उसको छोटा करने के लिए। तो 5,000 रुपये यार ओवरऑल आ गए उसके फीड के ऊपर, ठीक है। 2,000 रुपये आप मेडिसिन वगैरह के रख लो, वैक्सीन इसमें कोई खास होती नहीं है, कोई भी ऑलमोस्ट नहीं होती, एक आध होती है बस, और बाकी थोड़ी बहुत मेडिसिन होती है इसमें, तो मेडिसिन की कॉस्ट मिला के 2,000 रुपये हो गए। तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट हो गई वो आपकी सब कलेक्ट करोगे तो हो गए 30,000 रुपये। अब 30,000 रुपये आपने लगा दिए, अब इनको जब सेल कर दोगे ना तो ऑलमोस्ट आपको प्रॉफिट जो होने वाला है वो एवरी मंथ होगा तकरीबन 10,000 रुपये का, 7 से 10,000 रुपये का होगा, फिक्स नहीं हो सकता बट होगा। तो प्रॉफिट शायद आप सोच रहे हो कम है, तो पहले बता रहा हूँ मैं, अगर चाहो तो उसको बढ़ा सकते हो, इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम है, टाइम भी बहुत कम इसमें लगेगा आपका, और जैसे बात है इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे तो टाइम भी बढ़ाना पड़ेगा आपको। खैर वो सब आप पर डिपेंडेड है, मैंने आपको एक आइडिया दे दिया किस किस तरीके से ये काम होता है, क्या क्या इसका सेल करने का मेथड है। और अगर बड़े लेवल पे करना है तो कराची के अंदर यार एक डीलर है, वो 5-6,000 बटेर लोगों को दे देता है और फिर लोग उसको पाल के उसी को बच्चे उसके सेल कर देते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन बचता है लोगों का। अगर कोई चाहता है कराची के अंदर तो कॉन्टैक्ट करें, मैं उसको बता दूंगा कहाँ से मिलता है वो, इस सबका क्या हिसाब है। तो बस यार आज के लिए इस वीडियो में इतनी ही इन्फॉर्मेशन, और अगर आप पोल्ट्री में काम में इंटरेस्टेड हो और आप उसकी कंप्लीट इन्फो लेना चाहते हो तो यार आप पोल्ट्री बुक परचेज़ कर सकते हो मेरी, जिसकी जो कॉस्ट है ना वो ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ है, जिसमें आपको पोल्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, क्या क्या पोल्ट्री का हिसाब होता है, सारी A to Z इन्फॉर्मेशन। और उसके अलावा जो है ना आपको उसमें HG के नंबर भी मिल जाएंगे, अगर आपको कोई चूज़ा वूज़ा लेना है तो आप बुक परचेज़ करो, उसके अंदर आपको HG के नंबर भी मिल जाएंगे आपके एरिए की। बाकी जहाँ तक की बात है अगर आप फ्री में लेना चाहते हो उसको, तो यार एक और ऑप्शन भी है, और वो ये है कि आप सिंपली इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे कमेंट में डन टाइप करो और सेकंड इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करो। जैसे ही मेरे 500 लाइक्स वीडियो पे कंप्लीट होंगे मैं इंस्टाग्राम पे इसका विनर अनाउंस कर दूंगा, तो उसके पास दो ऑप्शन होंगे, चाहे तो वो बुक खरीद ले पोल्ट्री की, या तो वो कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी वेबसाइट से प्रोडक्ट ले लें, चाहे वो शर्ट लेना चाह रहा है या वो कोई छोटी थोड़ी जिस तरह कुछ लेना चाह रहा है, तो खैर ये दोनों ऑप्शन है उसके पास। तो बस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।